आएगा भी सवाल आपके पास आया होगा, है ना? नहीं नहीं सवाल आया नहीं, मैं नहीं कर रही आपसे। क्या देखो पगली तू क्यों रो रही है, मुझे पता है। आवाज सब 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 समझ, सब सब आ रही है, आवाज आ रही है मुझे। चले जी एक कॉल है हमारे पास वजीराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आप आज इतनी नाइस लग रही है ना। अच्छा चले, आपका बहुत शुक्रिया आपकी नज़र। और जो रहीम शाह ने आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट किया ना, उसके तो मैं कमाल करती हूँ। ये आप लोग मेरी चिड़ क्यों बना रहे हैं भाई? ये मुझे इतनी प्यारी लग रही है, उन्होंने आपके जो सॉन्ग डेडिकेट कर दिए ना, मुझे इतना अच्छा लगा ना सुन के कि मैं मजबूर हो गई कॉल मिलाने के लिए, फिर उनकी तारीफ करने के लिए। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी कुछ सवाल हमारे मेहमानों से पूछेंगी? हाँ जी, मैं सवाल सभी कुछ पूछूंगी, बस तारीफ ही करना चाहूंगी। मुझे रहीम शाह और जबीर शाह बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा जी, लेकिन जबीर शाह से इतना सी कहूंगी कि उन्होंने वो जो सत्या मोहब्बत फिल्म की है ना जी, काश उसमें वो विलन का रोल ना करते। विलन का रोल ना करते? बबरिक आपको विलन के रोल में नहीं, सिर्फ हीरो के रोल में अच्छे लगते हैं? हीरो के रोल करते तो क्या बात होती। अच्छा ये मुझे ये मुझे बहुत सारे फैंस ने कहा। असल में प्रॉब्लम ये थी कि एक तो डायरेक्टर की चॉइस थी कि मैं वो कैरेक्टर करूं। हाँ। दूसरा मैं उस कैरेक्टर को इसलिए करना चाहता था कि मेरे लिए वो चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी के अगेंस्ट था। हाँ। बिल्कुल एक एक्टर के लिए तो एक बड़ी बात। हाँ, होती है। अपनी पर्सनालिटी को खत्म करके मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी अपने ऊपर हावी करनी थी जो मैं नहीं था, तो मुझे उसको करना था, यही मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, ताकि मैं प्रूव कर सकूं। और भी तो चैलेंजिंग होगा ना, क्योंकि उसमें आपको हीरोइन भी तो चुप के ले जानी थी, नहीं वो तो विलन को ही ले जानी थी, इसलिए बबरिक ने कहा मैं तो विलन ही बनूंगा। नहीं मेरे साथ तो एक और भी हीरोइन थी, उसमें तो दो हीरोइंस थी। आई वाज मतलब वो कैरेक्टर वाज अ वेरी डबल शेडेड कैरेक्टर, बट ये है कि वो बहुत अच्छा था। आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ वेरी बेस्ट कैरेक्टर इन माय लाइफ टिल टुडे। अच्छा अभी हम उसकी बात कर रहे थे खाने की, और चपली कबाब की बात आई। चपली कबाब खुद बना लेते हैं? किससे पूछ रहे मुझसे? आपसे। अच्छा। और किससे पूछ भाई? आपका पता भी नहीं बैठा हाँ। नहीं चपली कबाब हम नहीं बनाते, लेकिन जहाँ के खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर रही हैं, तो चपली कबाब तो आप दुनिया के जिस कोने में जाएं, आप लंदन चले जाएं।